हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, मैं हूँ विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 34 शुरुआत करने वाले हैं। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 33 में ये देखा था किस तरह से दो एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया जाता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से दो एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो, ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक है उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में से ये सारी वीडियो को देख सकते हो एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को एक कदम आगे बढ़ाएगा। ओके, तो चलिए अभी बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, अभी हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का। क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में? सब्ट्रैक्ट द सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। ओके, सो ये सेकेंड एक्सप्रेशन है और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सेकेंड वाले को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके, पहले आपको क्या काम करना है भाई? ब्रैकेट में लिखना है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप है ना, इसी को मैं फर्स्ट स्टेप बना लेता हूँ। यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और दोनों के बीच में मैं माइनस साइन दूंगा क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब ये ध्यान में रखना, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा पहले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आई होप यू ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड। ओके, सो पहले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब जाकर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे ना तो पहले वाले एक्सप्रेशन में से किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं करना है, बट दूसरा एक्सप्रेशन का ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स रहेंगे इन सभी टर्म का साइन चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताता हूं, ये ब्रैकेट्स को ओपन कर दो। ओपन करोगे तो क्या आएगा? यहां पर हम लोग लिखेंगे 4xy-9z। ओके, अब जब ये दूसरा ब्रैकेट ओपन होएगा तो यहां पर ये जो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, जो टर्म को जो भी साइन है वो ब्रैकेट के बाहर आने के बाद वो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर 3xy को बच्चों क्या साइन है? ब्रैकेट के अंदर 3xy को बच्चों प्लस साइन है। ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के बाहर नहीं। 3xy के पहले यहाँ पे क्या साइन है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है भाई? प्लस है। ओके, सो ये जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस क्या बनता है? कभी भी प्लस माइनस हमेशा क्या बनता है? माइनस बनता है। सो इसका साइन फटाक से चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -3xy। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस। आगे देखो, -16z है। 16z का साइन ब्रैकेट में क्या है? माइनस में। 16z का साइन ब्रैकेट में क्या है? माइनस में। जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या बनता है बच्चों? प्लस बनता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे +16z ब्रैकेट के बाहर। ओके, अब देखो, अब लाइक टर्म को अरेंज करो। यहां पर लाइक टर्म कौन सा है? 4xy और -3xy। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है? ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया। जिस टर्म का वेरिएबल एंड पावर सेम होता है उसे हम लोग लाइक टर्म कहते हैं। यहाँ पर देखो, वेरिएबल xy, यहाँ पे भी वेरिएबल xy, दोनों का पावर क्या है? 1 है, तो ये लाइक टर्म है। सो लाइक टर्म को हम लोग साथ में लिखेंगे। सो 4xy-3xy, ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको हमने साथ में ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा लाइक टर्म क्या बचा? -9z और +16z, तो इसको भी हम लोग साथ में लिखेंगे। टर्म का साइन चेंज नहीं करना है। 9z का साइन क्या है? माइनस में, तो माइनस में लिखा। 16z का साइन क्या है? प्लस में, तो हमने +16z लिखा। ओके, यस। अब देखो, ये लाइक टर्म है तो सिर्फ कोएफिशिएंट को आप सब्ट्रैक्ट करो। ये दोनों टर्म को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो सिर्फ कोएफिशिएंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 3 गया तो बचा क्या? 1। ओके, सो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई लिख देंगे। अगर 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? इसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा। कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। अगर 1 लिख रहे हो तो भी चलेगा, अगर नहीं भी लिखा 1 तो भी चल जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो, -9z + 16z,
माइनस नाइन और प्लस 16 क्या आंसर आना चाहिए? माइनस नाइन और प्लस 16, देखो माइनस नाइन और प्लस 16, माइनस प्लस करोगे तो क्या आएगा भाई? माइनस करना पड़ेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन देना पड़ेगा। तो 16 में से 9 गया तो बचा कितना? यहाँ पे कितना बचना चाहिए भाई? 7 बचना चाहिए, और बड़ा नंबर 16 है उसको प्लस है, तो आंसर भी क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्लस 7z। ओके, यही आपका आंसर रहेगा। तो एक्स वाई प्लस 7z, इसको अच्छे से बॉक्स में हम लोग ले लेते हैं। अब नेक्स्ट वन देखो क्या दिया गया है। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट में है 3 टर्म ट्राइनोमियल, दूसरे ब्रैकेट में भी 3 टर्म ट्राइनोमियल। क्या करना है हमें? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करोगे? पहले ब्रैकेट्स में लिख लोगे, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसको ब्रैकेट्स में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई? दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन देना है, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन करोगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद पहला वाला जो ब्रैकेट्स है ना, इसमें का जब टर्म ब्रैकेट्स के बाहर आएगा तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा वाला ब्रैकेट्स में से जब टर्म बाहर आएंगे ब्रैकेट के, तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, पहला ब्रैकेट्स के पहले ब्रैकेट्स में से जब टर्म को बाहर लोगे तो उसमें साइन बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ये हाइजेडिस लिखना है आपको, क्या आएगा? 5x प्लस 4y प्लस 7z, किसी का साइन चेंज नहीं करना है। यहां पर जब टर्म बाहर आएंगे तो इसके सभी टर्म के साइन चेंज करने हैं। ब्रैकेट के अंदर इस टर्म का साइन क्या है भाई? एक्स का साइन क्या है? प्लस में है। ओके, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2y का साइन क्या है भाई? प्लस में, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा। अगेन ब्रैकेट के अंदर 3z का साइन प्लस में है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3z हो जाएगा। अब आपको लाइक टर्म को ढूंढना है। देखो 5x के साथ में कौन सा टर्म लाइक टर्म बन रहा, फॉर्म कर रहा है? 5x और ये माइनस एक्स। ओके, देखो ये जो माइनस एक्स है इसका कोएफिशिएंट कितना है भाई? 1, कुछ नहीं है। x है ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या लोगे? कुछ नहीं है ना, सिर्फ x है। कोएफिशिएंट कुछ है उसके पहले कुछ नंबर? नहीं, तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ओके, तो हम लोग ये दोनों टर्म को साथ में लिखेंगे, क्या आएगा भाई? 5x माइनस एक्स। ओके, जो टर्म को जो साइन रहेगा वही साइन के साथ वो टर्म को लिखना है, 5x माइनस एक्स। अब दूसरा देखो, दूसरा लाइक टर्म कौन सा है? 4y, 4y के साथ कौन बना रहा है इधर लाइक टर्म? माइनस 2y, साइन क्या है टर्म का? माइनस में है, तो मैं लिखूंगा 4y किस में है भाई? प्लस में, तो प्लस 4y, और ये 2y किस में है भाई? माइनस में, तो माइनस 2y। इसका एक लाइक टर्म का पेयर बन गया। अब और एक लाइक टर्म का पेयर बनाना है, क्या है? 7z प्लस 7z और माइनस 3z, तो प्लस 7z माइनस 3z, ये एक लाइक टर्म का पेयर बन गया। ओके, सबको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अब देखो 5x माइनस एक्स, एक्स का मतलब 1x, तो 5x में से x गया तो बचा कितना x भाई? 4x। ये x का मतलब 1x होता है बच्चों, ध्यान रखना है। प्लस 4y और माइनस 2y, इन दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस 4 और माइनस 2। ओके, प्लस 4 और माइनस 2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? प्लस 2y। देखो प्लस 4 और माइनस 2 क्या आंसर आना चाहिए? 4 माइनस 2 हुआ तो क्या बचा? 2 बचा, और प्लस का साइन क्योंकि बड़ा नंबर को प्लस है। ओके, यहाँ पे भी देखो प्लस 7z और माइनस 3z, अगेन यहाँ पे क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे लेकिन साइन प्लस का दोगे, क्योंकि 7 पॉजिटिव में है। ओके, तो यहाँ पर मैं प्लस 4z लिखूंगा, क्योंकि प्लस 7 और माइनस 3 कितना आना चाहिए? प्लस 7 और माइनस 3, 7 में से 3 गया तो 4 बचा। ओके, बड़ा नंबर 7 है उसको प्लस साइन है तो प्लस में आएगा। ओके, तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। इसको हम लोग ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। ये आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अभी पढ़ाउट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे के हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14x² प्लस 8xy प्लस 3y², फिर दूसरे ब्रैकेट में 26x² माइनस 8xy माइनस 17y². तो बच्चों ये यहाँ पर जो दिया गया है ये ट्राइनोमियल है। ओके, यहाँ पर भी ट्राइनोमियल, यहाँ पे भी ट्राइनोमियल। ओके, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट्स में आपको
दोनों एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है, दोनों ट्राइनोमियल को ब्रैकेट्स में लिखना है और दोनों के बीच में फिर आपको माइनस साइन देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करोगे तो पहला जब ब्रैकेट्स है, पहला ब्रैकेट्स को जब ओपन करोगे तो यहाँ से किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं करना होता है। ओके, इसको एज इट इज आप लोग लिखोगे, यहाँ पर क्या आएगा 14x² फिर प्लस 8xy और प्लस 3y², इसको एज इट इज लिखना है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो यहाँ पर जब टर्म बाहर आएंगे ब्रैकेट के बाहर, तो आपको साइन सब चेंज करके लिखना होगा। 26x² ब्रैकेट में इसका साइन क्या है भाई, प्लस में, ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस में, लेकिन जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 26x², ब्रैकेट में 8xy का साइन क्या है भाई, माइनस में, तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस 8xy। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर 17y² का ब्रैकेट में साइन क्या है, माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस। ओके, 17y², इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। अब लाइक टर्म को ढूंढना है, लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, जिस टर्म का वेरिएबल एंड पावर सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो 14x² को कौन लाइक टर्म फॉर्म कर रहा है, 14x² के साथ में, 14x² के साथ में माइनस 26x², देखो वेरिएबल और पावर, वेरिएबल और पावर सेम है। ओके, तो मैं इसको साथ में लिख लूंगा 14x² माइनस 26x², जो टर्म का जो साइन रहेगा वही साइन के साथ में वो टर्म को आपको लिखना है। तो ये पहला पेयर बन गया लाइक टर्म का। दूसरा देखो 8xy के साथ में कौन फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, प्लस 8xy, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस 8xy और साथ में प्लस 8xy, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट बचा है प्लस 3y² और प्लस 17y², देख सकते हो आप लोग प्लस 3y² और प्लस 17y², तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस 3y² और प्लस 17y², इसका भी हो गया। ओके, चलो अभी हम लोग पहले पहला टर्म को लाइक टर्म है तो इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे बोला है ना 14x² का साइन क्या है भाई, प्लस में, 14x² का साइन क्या है, प्लस में है, 20x² का साइन क्या है, माइनस में। तो ध्यान देना प्लस माइनस कभी भी क्या होता है भाई, माइनस होता है। ओके, सो प्लस 14 है और माइनस 26, ध्यान रखना प्लस 14 और माइनस 26 क्या होगा, 26 में से 14 निकाल दो, जरा 26 में से 14 निकाल दो, कितना बचेगा भाई यहाँ पर 12 बचेगा। ओके, 12 बचेगा ना 12 यहाँ पे, सो लिखेंगे हम लोग 12। अब साइन देने की पारी आएगी, बड़ा नंबर क्या है 26, उसको माइनस साइन है तो क्या दोगे, माइनस। ओके, देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन बड़े नंबर का साइन देना है तो माइनस 12, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस 12 माइनस 12 एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर प्लस 8xy और प्लस 8xy, ये क्या बन जाएगा, प्लस 8xy और प्लस 8xy बन जाएगा प्लस 16xy। यहाँ पर माइनस कहीं दिख रहा है क्या, माइनस कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ओके, और साइन भी प्लस का ही रहता है। यहाँ पर भी देखो प्लस 3y² और प्लस 17y² क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 20y². ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने का ये आपको आंसर मिला। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी जरा हम लोग बॉक्स में लिख लेते हैं। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिया गया है नेक्स्ट वन में, यहाँ पर पहला वाला ब्रैकेट में देखोगे तो तीन टर्म दिया गया है, एक ट्राइनोमियल है और दूसरा वाला ब्रैकेट में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दो टर्म वाला है। ओके, दोनों के बीच में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक का साइन डालना है। ओके, ये भी ब्रैकेट्स में है और ये भी ब्रैकेट्स में, दोनों को हमें सब्ट्रैक करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक का साइन दे दो। अब ब्रैकेट्स को ओपन करो, ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो कभी भी, मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट ब्रैकेट्स में जो टर्म रहेंगे वो टर्म हैज इट इज लिखना है, आपको उसका साइन चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6x², फिर उसके बाद आएगा प्लस 7xy, फिर प्लस 16x². ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करो तो इसका साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट जब ओपन होगा इस ब्रैकेट के पहले माइनस है। ओके, तो जब भी ये ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस रहेगा तो, प्लस रहेगा तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट्स ओपन करते समय आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर 16x² का साइन क्या था, प्लस में था, लेकिन जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 16x² हो जाएगा।
ओके यस नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर 17xy का साइन क्या है माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस 17xy, इस तरह से कंप्लीट हुआ। ओके अभी आपको लाइक टर्म ढूंढना है, यहाँ पर लाइक टर्म देखो कहां पर क्या आएगा, 6x2 के साथ में कौन लाइक टर्म बना रहा है यहाँ पे, 6x2 के साथ में ये 16x2 और ये माइनस 16x2, ये दोनों टर्म लाइक टर्म बना रहा है। ओके एक चीज यहाँ पे आप लोग देखे रहेंगे, ये प्लस 16x2 है और यहाँ पर माइनस 16x2 है। ओके ये प्लस 16x2 और ये माइनस 16x2, तो ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट सब पूरा का पूरा टर्म देखो सेम है, एकदम ए टू जेड टर्म सेम है, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 16x2 और यहाँ से माइनस 16x2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा क्या है देखो, यहाँ पे क्या बच रहा है 6x2, ये एज इट इज लिख दो यहाँ पर 6x2 को। ओके फिर उसके बाद प्लस 7xy और प्लस 17xy क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस 7xy और प्लस 17xy ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेंगे। देखो 6x2 यहाँ पे बच गया क्योंकि कैंसिल हो गया, दोनों टर्म सेम था लेकिन साइन में सिर्फ फर्क था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा 7xy और प्लस 17xy, इसको हम लोग साथ में लिख लेते हैं, प्लस 7xy और प्लस 17xy इसको साथ में लिख गया। अब 6x2 हैजर्डस रह जाएगा, ओके इसको आपको हैजर्डस लिखना है, 6x2 प्लस 7xy और प्लस 17xy दोनों को प्लस कर लो, देखो प्लस ही प्लस है दोनों में। ओके तो प्लस कर लोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 17 प्लस 7 करने पे कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर 24 और xy हैजर्डस, तो ये आपका आंसर रहेगा 6x2 प्लस 24xy। ओके इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते, आप जल्द से जल्द इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और फिर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फिफ्थ सम है, क्या दिया गया है 4x प्लस 16z, फिर दूसरे ब्रैकेट में 19y माइनस 14z प्लस 16x दिया गया। ओके चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके सो आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन देना पड़ेगा, आपको सेकेंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को सबको समझ में आ रहा है बच्चे, यस। सो 4x प्लस 16z ये ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो इसमें के जो टर्म्स है उसके साइन चेंज नहीं करने हैं। ओके अब दूसरा ब्रैकेट जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर जब आएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर देखो 19y क्या है भाई प्लस में, तो ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा माइनस, तो माइनस 19y हो जाएगा। यहाँ पर 14z का साइन क्या है माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 14z। फिर ये 16x का साइन क्या है प्लस में, तो प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 16x। ओके इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको लाइक टर्म ढूंढना है, 4x के साथ में कौन सा टर्म यहाँ पे लाइक टर्म फॉर्म कर रहा है लास्ट में 16x। ओके तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x और बच्चों माइनस 16x, ये ध्यान रखना जो टर्म का जो साइन रहेगा वही साइन के साथ में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 16z देखो जरा 16z किसके साथ लाइक टर्म फॉर्म कर रहा है 14z के साथ में, तो मैं यहाँ पर 16z का साइन क्या है प्लस में, तो प्लस 16z, 14z का साइन क्या है प्लस में, तो प्लस 14z, इन दोनों को साथ में लिख दिया। अब बचा एक और, एक कुछ बचा है माइनस 19y। ओके माइनस 19y का कोई और लाइक टर्म है क्या, कोई और टर्म है माइनस 19y जैसा, नहीं है। ओके तो माइनस 19y को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ओके नेक्स्ट स्टेप देखो, अब 4x का साइन क्या है भाई प्लस, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 4 और माइनस 16 क्या आना चाहिए, प्लस 4 और माइनस 16 क्या होना चाहिए भाई, हमेशा प्लस माइनस क्या होता है भाई माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो हमें क्या करना है माइनस करना है, 16 में से 4 निकालना है तो कितना बचेगा 12 बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर का साइन क्या है भाई माइनस में, तो माइनस 12 लिखेंगे। ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ रहा है, यस तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस 12 यस एक्स। ओके तो माइनस 12x। नेक्स्ट प्लस 16z और प्लस 14z, यहाँ पे माइनस साइन है क्या, कहीं नहीं है, तो प्लस 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 ही प्लस होने वाला है, तो प्लस 16 और प्लस 14 करने से आपको क्या मिलना चाहिए भाई प्लस 30z मिलना चाहिए। और बचा क्या लास्ट में,
माइनस 19y। तो बच्चों देखा ना कितने आसान तरीके से हमने इस सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ओके सो ये आप क्या कीजिए, इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, पांच क्वेश्चन ही था इसमें से। आई होप आपको पांच के पांच अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं बच्चों। ओके सो हम लोग हमारा जो लेक्चर भी यहीं पे फिनिश कर देते हैं, और अगला जो प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा सीधा प्रैक्टिस सेट नंबर 35 रहेगा, जिसमें हमें मल्टीप्लीकेशन हमें सीखना होगा। आई होप आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से सीख लिया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप हमारे पहली बार चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड सी यू अगेन।